अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका आज हम सेवन क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट पेज नंबर 86 पर आए, देखिए सेवन लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द सेंट्रल सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर। पेज नंबर 74 पर आए, यहाँ देखिए आपको नज़र आ रहा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मुगल्स। यहाँ से सेवन क्वेश्चन का निशान लगाना शुरू करें। आज हम इसकी सिर्फ टू पॉइंट्स करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको कंप्लीट करेंगे। पहला इसका पॉइंट है किंग और एम्परर, शुरू से निशान लगाएं और थर्ड लाइन तक लॉ तक। आगे सेकंड पॉइंट वकील सल्तनत, इसके फर्स्ट लाइन के लास्ट में देखिए ही हेडफुल, यहाँ से लेकर थर्ड लाइन अनलिमिटेड तक। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। फर्स्ट पॉइंट किंग और एम्परर, बादशाह या शहनशाह। किंग और एम्परर हैड अ सेंट्रल प्लेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मुगल्स। मुगलों में बादशाह या शहनशाह इंतज़ामी निज़ाम में एक मरकज़ी हैसियत रखता था। एंड ही वाज सोर्स ऑफ अथॉरिटी, और वो इख्तियारात का ज़रिया समझा जाता था, इख्तियारात का ज़रिया था। हिज पावर वर अनलिमिटेड, उसकी ताकत लामहदूद थी। हिज एवरी वर्ड वाज लॉ, उसका हर लफ्ज़ एक कानून की हैसियत रखता था। सेकंड पॉइंट पर आए वकील सल्तनत, ही हैड फुल पावर टू रन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। वकील सल्तनत की बात हो रही है कि इस अहदे पर जो जिस आदमी को अपॉइंट किया जाता था वो सरकारी मामलों को चलाने की पूरी ताकत रखता था। बींग हेड ऑफ आर्मी एंड आल्सो प्राइम मिनिस्टर, फौज का सरबराह और प्राइम मिनिस्टर होने वज़ीर आज़म होने की हैसियत से हिज पावर वर अनलिमिटेड, उसकी इख्तियारात कह लें या ताकत कह लें वो लामहदूद थी। यहाँ तक आज का आपका होमवर्क है, इसको आपने अपनी नोटबुक पर लिखना भी और याद भी करना। अल्लाह हाफिज़।